नमस्कार, मैं सुष्मिता बिस्वास स्वागत करती हूँ आपका मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर छिंदवाड़ा से, जहाँ सेंट्रल लॉक नहीं खुला तो चोरों ने जला दिए दरवाजे। पंचशील कॉलोनी स्थित सोने घर में लाखों की चोरी। शहर के पास कॉलोनियों में से एक पंचशील कॉलोनी स्थित एक सोने आवास में सेंधमारी कर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि सेंट्रल लॉक न खुलने पर उन्होंने दरवाजे में आग लगा दी। इसके बाद चोरों ने घर की अलमारियां खोली और जेवरा समेत अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। हालांकि पीड़ित परिवार शहर से बाहर होने की वजह से चोरी कितने की है यह स्पष्ट नहीं हो पाया। ये मेरे बड़े पापा राजेंद्र दीक्षित का घर है। यहाँ पे कल रात को, अभी पुणे गए हूँ अपने बड़े बेटे के यहाँ, लगभग उनको हो चुका होगा 15-20 दिन हो चुका है। मुझे आज मोहल्ले से पता लगा कि यहाँ पे ताला टूटा हुआ है। जब मैं आके देखा यहाँ पे, तब देखा कि उन्हें पूरे दरवाजे को जलाया है और अंदर पूरा, उसके बाद फिर ताला अलमारी सब तोड़ के उसमें लगभग जो पुराना जो दीपोली समय जो भगवान ने चांदी के और सिक्के जो पुराने चले जा रहे हैं वो थे, और इसके बाद आपका सोने का झुमकी है, 10,000 की घड़ी है, और जो छुटपुट कैश होगा 15-20,000 अनुमानित, लगभग 3 से 3.5 तक हम समझ रहे हैं। हाँ, पुलिस शिकायत कर दिया है। मैं मुनिदत्त दीक्षित हूँ, उनका भतीजा हूँ मैं। क्या करते हो? वो रिटायर्ड सेल्टर्स अधिकारी हैं, थे। क्या नाम? राजेंद्र दीक्षित। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।